औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के चंदौली गांव में किरण कुमारी आशा है, जिसको 6 माह से डिलीवरी की कमीशन नहीं मिलने के कारण वह अपने 5 परिवारों के साथ समस्या से जूझ रही है। हम लोगों को समस्या यही है कि अभी तक हम लोगों को मजदूरी के रूप, हम लोग का आशा के रूप में 1,000 की आबादी पर बहाल कर दिए हैं। हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को फिर भी कुछ भी पोषण राशि में ढंग से नहीं मिल रहा है। दूसरे से कर्जा लेके काम चलाते हैं, सूद पर लेते हैं, कोई नहीं देने के लिए भी तैयार होता है, उधार में दुकानदार से उधारे खाते हैं, 3-3 महीना 4-4 महीना लग जाता है सर, दुकान वाला भी नहीं देता है कि इतना दिन बाकी रह गया है, हम कैसे चलाएंगे, कैसे देंगे। 12 साल से नहीं मिल रहा है, मजदूरी के रूप में भी अच्छा से हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा, वेतन तो है ही नहीं है, तो क्या करें, कैसे चलवाते, इसीलिए तो सरकार को बोल रहे हैं ना कि हम लोग को जब बहाली कर दिए हैं तो हम लोग कम से कम पोषण राशि सरकारी कर दें, तभी ना 2-3 दिन रात में आते हैं, जब बातें तब भी हम लोग आ जाते हैं, और 3-4 दिन हॉस्पिटल में हम लोग को रहना पड़ता है, रहने के साधन भी अच्छा से नहीं, कोई हम लोग को मान्यता भी नहीं देते हैं, बोलते हैं हम लोग को कोई भी मान्यता नहीं देते हैं, बोले क्या है आशा है हम लोग को, बस हम लोग को मान्यता चाहिए, हम लोग को सरकारी रूप में हम लोग घोषित कर दें कि हाँ सरकार ने अपना मांग हम लोग को मांग दे दें, और पोषण कम से कम 18,000 के रूप में हम लोग को सरकार से हम विनती करते हैं कि हम लोग को सभी आशा बहन सबको सरकारी घोषित कर दें, रेगुलर कर दें कि हाँ कम से कम हम लोग को जगह बन जाए रहने के लिए। घूमी घूमी करे पर चार हो सुनाया सा बहनिया, घूमी घूमी करे पर चार हो सुनाया सा बहनिया, यह वीडियो देखने वाले साथियों से आग्रह है कि यह वीडियो को देख करके मदनपुर के चिकित्सा पदाधिकारी नवल किशोर सिंह के मोबाइल नंबर 9470303353 पर कॉल कर हमारी मदद कर सकें, ताकि आशा की इस तरह की जो समस्या है उस समस्या को समाधान हो सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, ग्राम महुआ, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया नेट के लिए।